बायो क्लासेस में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर 5 की स्टडी कर रहे हैं, वंशागत तथा उसके सिद्धांतों की। आज हम लोग उसके पार्ट 3 की बात करेंगे, जिसमें हम लोग क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन तथा उसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मेंडल के तीनों लॉ को देखा था, यानी लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस। तो हम लोगों ने मेंडल के तीनों लॉ को देखा था, उसकी मैकेनिज्म को देखा था, कैसे तीनों लॉ फॉर्म हुए, इसकी स्टडी की थी। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ये थ्योरी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। ये थ्योरी अलग अलग एनिमल के लिए, अलग अलग प्लांट्स के लिए दी गई है। तो इसके एग्जांपल, इसमें कई सारे केसेस होते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरी है आपके एग्ज़ाम के बेस पे और आपके बोर्ड के बेस पे, नीट के बेस पे ये इम्पॉर्टेंट थ्योरी हो जाती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्रोमोसोम क्या होता है। तो जो क्रोमोसोम होता है वो हमारी हमारी डीएनए में पाया जाता है। क्रोमोसोम, जब डीएनए इकट्ठा हो जाता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल इकट्ठा हो जाता है, तो वो जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है उसको हम लोग क्रोमोसोम बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे क्रोमोसोम होता क्या है। तो जो क्रोमोसोम होता है वो हम लोग की बॉडी में नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो होते हैं वो 46 होते हैं, यानी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। जो एक सेल होती है उसमें आपका 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो अब ये अलग अलग एनिमल में, अलग अलग स्पीसीज में, अलग अलग, जैसे शेर हो गया, आपका कुत्ता हो गया, ह्यूमंस हो गए, गाय हो गई, तो उस अलग अलग एनिमल में अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम पाए जाएंगे। उनका साइज में भी वेरिएशन होगा, उनके नंबर में भी वेरिएशन होगा, उनके नेम में भी वेरिएशन होगा। तो हम लोग देखेंगे हम लोग में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो 46 क्रोमोसोम हम लोग में पाए जाते हैं। अगर पेयर की बात करें तो हम लोग 46 को 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हमारी बॉडी में पाए जाएंगे। तो क्रोमोसोम नंबर और पेयर की बात हो गई। अब इसमें भी सारे क्रोमोसोम आपके सेक्स डिटर्मिनेशन पे सेक्स डिटर्मिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। कुछ ही क्रोमोसोम होते हैं जो आपके सेक्स डिटर्मिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे जो आपका देही गुणसूत्र होता है, यानी जो आपका ऑटोसोम होता है, वो आपका जो सेक्स डिटर्मिनेशन है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। जो आपका एलोसोम होता है, यानी आपका जो हिंदी में हम बोलते हैं लिंग गुणसूत्र, वही आपका सेक्स डिटर्मिनेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो याद रखेंगे हम लोग की बॉडी में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिसमें कि 44 क्रोमोसोम जो होते हैं वो आपके ऑटोसोम होते हैं, ऑटो क्रोमोसोम होते हैं, और जो आपके टू पेयर, जो टू क्रोमोसोम होते हैं, पेयर नहीं बोलेंगे, अगर पेयर बोलेंगे तो पेयर में आपका 22 हो जाएगा, और यहाँ पे पेयर में 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो आपका एलोसोम होता है, एलो क्रोमोसोम, जो आपका 46 क्रोमोसोम हम लोग में पाए जाते हैं, जिसमें से आपका जो 44 होगा वो ऑटो क्रोमोसोम होगा, तथा आपका जो टू पेयर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो आपके एलो क्रोमोसोम होंगे। तो हम लोग ऑटो और एलो क्रोमोसोम की बात जान लेते हैं कि जो एलो क्रोमोसोम होता है वो ही आपके किस पे डिपेंड करता है, आपके सेक्स को डिटरमाइन करता है। जो आपका एलो क्रोमोसोम होता है वो ही क्रोमोसोम आपके सेक्स को डिटरमाइन करता है। बाकी जो ऑटो क्रोमोसोम होता है वो आपको सेक्स, वो आपके सेक्सुअल करेक्टर को डिटरमाइन नहीं करता, ये अदर बॉडी करेक्टर को डिफाइन करता है। यानी जो आपका ये फिजिकल, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे ये डिफाइन करता है, और जो आपका ऑटो एलो क्रोमोसोम है वो आपके सेक्सुअल करेक्टर को डिफाइन करता है। तो सेक्सुअलिटी को आपका कौन सा क्रोमोसोम डिफाइन करता है, तो आपका एलो क्रोमोसोम और आपका कायकी, जिसको हिंदी में हम लोग दैहिक गुणसूत्र बोलते हैं, और इसको लिंग गुणसूत्र बोलते हैं। ठीक है।
तो इसको हिंदी में ऑटो क्रोमोसोम को हम लोग देही गुणसूत्र बोलते हैं और एलो क्रोमोसोम को हिंदी में लिंग गुणसूत्र बोलते हैं। तो लिंग गुणसूत्र में हिंदी में वैसे ही दिख रहा है कि आपके लिंग का निर्धारण करता है और जो आपका ऑटो क्रोमोसोम हो वो आपका देही गुणसूत्र है, ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का निर्धारण करता है, ना कि आपके लिंग को निर्धारण कर लिंग का निर्धारण करता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ऑटो और येलो क्रोमोसोम होता क्या है। तो जानेंगे हम लोग में हम लोग के जो में जैसे हम लोग में जो दो टाइप के क्रोमोसोम होते हैं जिसको एक्स एक्स तथा एक्स वाई लिखते हैं। तो एक्स वाई जो होता है वो आपके मेल्स में पाया जाता है और जो एक्स एक्स होता है वो आपका फीमेल में पाया जाता है। जो आपका एक्स वाई टाइप का क्रोमोसोम होगा ये आपका मेल्स में पाया जाएगा तथा एक्स एक्स टाइप का जो क्रोमोसोम होगा वो आपका फीमेल्स में पाया जाएगा। ये इसीलिए जो आपका सेक्स डिटर्मिनेशन मेनली डिफाइन करता है वो आपकी मेल्स पे डिफाइन करता है, ना कि फीमेल्स पे, कि क्योंकि इसमें जो टाइप ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो दो टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और वाई। और जो आपका फीमेल जो फीमेल जनरेशन होती है उसमें आपका वाई एक्स और एक्स टाइप का होता है। ये जो कंडीशंस हैं ये केवल कुछ ही एनिमल्स हैं, यानी जैसे हम लोग हैं होमो सैम्पियंस सैम्पियंस, तो हम लोग यानी ह्यूमंस पे यानी होमो सैम्पियंस सैम्पियंस पे ही ये अप्लाई है, ना कि अदर पे। कुछ जैसे होमो सैम्पियंस सैम्पियंस हो गया, आपका ड्रोसोफिला हो गई, आपका ड्रोसोफिला हो गई, जैसे आपको घरेलू मक्खी बोलते हैं, जो आपकी घरेलू मक्खी हो गई, आपका मानव हो मनुष्य हो गया, जो आपके मनुष्य हो गए था घरेलू मक्खी हो गई, उनमें जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो 46 होता है। और 46 में आपका क्रोमोसोम कौन कौन सा होता है, तो दो पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं जिसमें में से फीमेल जो आपका होता है वो फीमेल जो होती हैं आपका एक्स एक्स होती हैं और जो आपका मेल होते हैं वो एक्स वाई होते हैं। तो ये आपका एक टाइप का क्रोमोसोम हो गया जिससे आप लोग लिंग का निर्धारण करेंगे। अब इसमें कब मेल होगा कब फीमेल होगा इसके बारे में हम लोग देखेंगे, तो आप लोग इतना नोट कर लीजिए। जो आपका अब इसमें क्रोमोसोम जैसे आपका हम लोग एक्स जैसे मानो जो आपका एक्स वाई तथा एक्स एक्स तथा एक्स वाई टाइप का जो गुणसूत्रों में लिंग निर्धारण है, यानी एक्स और एक्स वाई क्रोमोसोम का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, इसको लिंग निर्धारण को हिंदी में इंग्लिश में सेक्स डिटर्मिनेशन बोलते हैं, गुणसूत्र को क्रोमोसोम बोलते हैं। तो एक्स एक्स तथा एक्स वाई द्वारा गुणसूत्र क्रोमोसोम्स में सेक्स डिटर्मिनेशन, तो आपका ये किस में पाया जाता है, ये आपका मनुष्य में यानी होमो सैम्पियंस सैम्पियंस में पाया जाता है तथा आपके घरेलू मक्खी यानी ड्रोसोफिला में पाया जाता है। तो सबसे पहले जो आपका फीमेल का क्रोमोसोम होता है वो कौन सा होता है, ये आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो एक्स एक्स तथा एक्स वाई क्रोमोसोम है ये किस में पाया जाता है, इसका लिंग निर्धारण कैसे करेंगे, तो उसको हम लोग देखेंगे। जो आपका एक्स एक्स टाइप का क्रोमोसोम होता है वो किस में पाया जाता है, तो फीमेल्स में पाया जाता है। तो पहले इसका हम लोग क्रॉस निकालेंगे जैसे मेंडल्स के लॉ में हम लोग करते थे, फिर उसके बाद में एक्स वाई का निकालेंगे, फिर उसके बाद में जैसे आपका ये हो गया एक्स एक्स हो जाएगा, तो एक्स एक्स हो जाएगा तो ये आपका क्या होगा, ये आपका बनेगा फीमेल। और फिर इसका अगर क्रॉस होगा एक्स वाई से तो ये क्या बनेगा, मेल। और फिर इसका क्रॉस अगर हम इससे करवाते हैं तो क्या बनेगा, फीमेल। इसका इससे
तो मेल, ठीक है। तो ये एक क्लास हो गया, जैसे अगर क्रोमोसोम भी अगर मेल्स में बनेंगे तो, क्योंकि ये आपका जो होगा वो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा यानी 2n होगा, तो जो फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम होगा यानी क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होगा, तो उसमें आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। जैसे ये आपका हुआ तो एक्स वाई है, तो जब आपके क्रोमोसोम यानी जो आपका सेक्सुअल करेक्टर यानी जब आपके स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, तो ये जो एक्स वाई हैं ये आपका क्या हो जाएंगे नंबर, जो आपका डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम में चेंज हो जाएगा, यानी यहाँ पे एन हो जाएगा और एन हो जाएगा, तो एन हो जाएगा तो एक एन में आपका एक्स होगा, दूसरे एन में वाई होगा। तो इसीलिए जब आपका ये आपका डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, ये भी आपका डिप्लॉयड होगा, यहाँ पे होके आपका हैप्लॉयड यानी एन हो जाएगा दोनों। तो ये कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि किस किस कंडीशन में आपका मेल जनरेशन होगी और किस कंडीशन में फीमेल जनरेशन होगी। जब फ्यूजन एक्स से होगा और तो आपका कौन सा बनेगा, फीमेल होगा, और जब फ्यूजन वाई से होगा तो आपका मेल बनेगा। तो ये होगा आपका एक्स तथा एक्स वाई टाइप के गुणसूत्रों में लिंग निर्धारण। तो ये आपका एक टाइप हो गया जो कि इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब आपका जो दूसरा टाइप होगा, वो जो टाइप होते हैं वो अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग टाइप के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पाए जाते हैं। जैसे आपका जो आपका दूसरा टाइप हो गया वो एक्स तथा एक्स ओ गुणसूत्र, ठीक है। तो ये जो आपका एक्स तथा एक्स तथा एक्स ओ टाइप का जो आपका क्रोमोसोम होगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि ये जो एक्स वाई तथा एक्स एक्स टाइप का क्रोमोसोम ये किस में पाया जाता है, तो ये आपका टिड्डी में पाया जाता है तथा खटमल में पाया जाता है। ये आपके नीट में जो आप मैंने पहले बताया था वो भी पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है कि आपका एक्स तथा एक्स ओ टाइप का लिंग निर्धारण किस में पाया जाता है, टिड्डी में पाया जाता है, और फिर किस में पाया जाता है, तो आपका टिड्डी में पाया जाता है और खटमल में पाया जाता है। इसमें जो आपका मेल यानी आपका जो फीमेल होगी वो आपका एक्स एक्स होगी, तथा मेल होगा जो ये आपका क्रॉस का सिंबल है, इसको मैं पॉइंट में कर देती हूँ, जो आपका मेल होगा वो एक्स ओ होता है। क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे एक्स ओ टाइप, जैसे एक्स क्वेश्चन मान लो हम लोग क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो एक्स ओ एक्स एक्स तथा एक्स ओ टाइप के लिंग निर्धारण में आपका मेल कौन सा होगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा, मेल कौन सा होगा, तो आपका मेल कौन सा होगा, एक्स ओ आपका मेल होगा, ठीक है। ऐसे आएगा कि फीमेल कौन सा होगा, तो एक्स एक्स आपका फीमेल होगी, क्वेश्चन ऐसे आते हैं। ऐसे जैसे पिछले लेक्चर में, जैसे पिछले उसमें था, तो उसमें आपका अगर पूछ लेगा कि जो एक्स वाई है वो एक्स एक्स तथा एक्स वाई गुणसूत्रों के निर्धारण में जो आपका एक्स एक्स है वो क्या होगा, एक्स वाई है वो क्या होगा, क्योंकि एक्स एक्स तो इन दोनों में कॉमन हो जाता है, तो ये नहीं पूछा जाता है। वैसे कुछ केसेस में पूछा भी जा सकता है, तो मेनली पूछा कौन सा जाता है, एक्स ओ तथा एक्स वाई टाइप का क्रोमोसोम पूछा जाता है। सिंपल वैसे इसमें भी होगा, एक्स एक्स हो जाएगा और फिर डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो हैप्लॉयड हो जाएंगे, एक्स ओ एक्स ओ, फिर इसमें क्रॉस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स एक्स हो जाएगा, ये क्रॉस आपका एक्स ओ हो जाएगा, यहाँ पे एक्स एक्स हो जाएगा, एक्स ओ हो जाएगा। तो ये आपका एक्स एक्स क्या है, तो एक्स एक्स आपका फीमेल है, ये आपका मेल है, ये आपका फीमेल है, ये आपका मेल है। तो ये आपने देखा एक्स एक्स तथा एक्स ओ टाइप का जो आपका लिंग क्रोमोसोम में लिंग निर्धारण होता है वो किस में पाया जाता है, तो आपका टिड्डी तथा खटमल में पाया जाता है। इसमें जो आपकी फीमेल होती हैं वो एक्स एक्स होती हैं, मेल जो होता है आपका एक्स वाई होता है। तो ये हम लोगों ने देखा, फिर इसके बाद में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद में दूसरा आएगा आपका जेड जेड तथा जेड डब्ल्यू टाइप,
जेड डब्लू था जेड जेड टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन किसमें आपका जो आपका एक्स एक्स तथा एक्स वाई टाइप के क्रोमोसोमों में सेक्स डिटर्मिनेशन तो ये आपको किसमें पाया जाता है, ये आपका जो इंसेक्ट होते हैं यानी कीटों में पाया जाता है, फिशेज में पाया जाता है, ये आपका कीट तथा फिशेज में पाया जाता है तो याद रखेंगे, तथा जो आपके रेप्टाइल्स होते हैं यानी सरीसृप जिसको बोलते हैं, जो आपका हिंदी में इसको सरीसृप बोलते हैं, सरीसृपों में पाया जाता है, फिश यानी मछलियों में, मछलियों में पाया जाता है, और जो आपका कीट यानी इसको बोलते हैं इंग्लिश में इंसेक्ट, तो जो आपका किसमें पाया जाता है, आपका कीटों में पाया जाता है, फिशेज में पाया जाता है, रेप्टाइल्स में यानी कीट मछलियाँ सरीसृप यानी इंसेक्ट फिश तथा रेप्टाइल्स में ये एक्स डब्लू जेड जेड डब्लू तथा जेड जेड टाइप का लिंग धारण किसमें पाया जाता है, तो आपका जो एग्जाम्पल्स इसके याद रखिएगा, पहले एग्जाम्पल में हमारा क्या था, तो पहले एग्जाम्पल में हमने एक्स एक्स तथा एक्स वाई में देखा था आपका ह्यूमन थे और आपका ड्रोसोफिला थी, फिर दूसरे में हम लोगों ने देखा था आपका खटमल था और आपका टिड्डा था जो आपका जेड जेड था जेड ओ टाइप का, जो एक्स एक्स था एक्स ओ टाइप का लिंग निर्धारण में आपका कौन सा था, तो आपका खटमल तथा टिड्डा था, इसमें आपका कीट फिश तथा रेप्टाइल्स हैं, तो इस सेम वैसे हो जाएगा इसमें भी, लेकिन इसमें जो आपका जो में जो होता है ये आपका फीमेल हो जाएगी, जेड डब्लू क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा, तो इसमें ध्यान रखिएगा जो एक्स जेड डब्लू तथा जेड जेड टाइप के लिंग निर्धारण में लिंग का निर्धारण कौन करता है, तो फीमेल यानी मादा जो होती है वो लिंग का निर्धारण करता है, यानी मेल लिंग का निर्धारण नहीं करेगा, ये ध्यान रखने वाली बात है कि लिंग का निर्धारण कौन करता है, तो मादा लिंग का निर्धारण करती है, फीमेल जो आपका जेड जेड तथा जेड डब्लू होगा ये आपका मेल होगा, मेल आपका के सेक्सुअल करेक्टर में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि जो वेरिएबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो हैं वो किसमें पाए जा रहे हैं, तो फीमेल्स में आपके वेरिएबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं, मेल में आपका सिमिलर नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन में पार्टिसिपेट कौन करेगा, तो इसमें फीमेल्स सेक्स डिटर्मिनेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर नीट, तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि कौन पार्टिसिपेट करेगा, तो मेल्स आपके सेक्स डिटर्मिनेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये आपका जेड डब्लू तथा जेड जेड के बीच में क्रॉस होगा तो ये आपका जेड डब्लू हो जाएगा, जेड हो और फिर यहाँ पे डब्लू और फिर ये आपका जेड जेड, फिर इसके बीच में सिमिलर क्रॉस होगा ये इसमें, फिर इसके बाद में जेड डब्लू, फिर जेड 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 डब्लू और हो गया एक जेड जेड, ठीक है जेड डब्लू जेड डब्लू, ठीक है ये आपका हो जाएगा, तो इसमें ये ध्यान रखिएगा बस कि जो आपका फीमेल है वो उसमें सेक्स डिटर्मिनेशन में पार्टिसिपेट कर रही है, तथा जेड डब्लू तथा जेड जेड टाइप का लिंग निर्धारण किन मतलब इसके एग्जांपल्स क्या है, किन किन एनिमलों में ये पाया जाता है, तो ये आपका थर्ड नंबर हो गया, अब हम लोग देखेंगे चौथे टाइप के एग्जाम्पल को, तो जो आपका चौथा टाइप ऑफ एग्जाम्पल होगा वो आपका जेड ओ तथा जेड जेड होगा, ठीक है में लिंग निर्धारण, तो आप इसमें जो आपका ये होगा फोर नंबर, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, ये जितने एग्जांपल हैं ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो ये जो इसमें पाया जाता है ये आपका तितलियों में पाया जाता है, तो जो आपका इस टाइप का जो क्रोमोसोम होता है वो आप किस में पाया जाता है, तो इसे आपका जो बटरफ्लाई होती हैं यानी तितलियाँ होती हैं, तितलियाँ जो आपकी तितलियाँ होती हैं यानी जो बटरफ्लाई होती हैं
जो आपकी बटरफ्लाई होती हैं उनमें कौन से टाइप का डिटर्मिनेशन पाया जाता है, तो उसमें पाया जाता है ZW, तथा इसमें जो आपकी फीमेल होंगी वो कौन सी होंगी, इसमें भी फीमेल आपके लिंग का निर्धारण करेंगी, मेल्स आपके जो लिंग निर्धारण है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सिमिलर सी टाइप का इसमें भी क्रॉस होगा। ये लोग आप सेल्फ से कर सकते हैं सिमिलर क्रॉस। सिमिलर इसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि जो आपकी फीमेल्स होंगी वो लिंग का निर्धारण करेंगी। फिर इसका एग्जांपल्स क्या है ये ध्यान रखिएगा कि इसका एग्जांपल क्या है, तो आपकी तितलियां तथा इसका एग्जांपल मॉसेस भी हैं, जो आपकी मॉस होती है यानी मास होती है। ये मास क्या होते हैं, ये टेरिडोफाइटा तथा ब्रायोफाइटा फाइलम के जो प्लांट्स होते हैं उनको हम लोग मॉसेस बोलते हैं। ये कुछ ऐसे होते हैं दलदली स्थानों पे पाए जाते हैं जहाँ नमी रहती है वहाँ पे ये लोग पाए जाते हैं। तो ये मासेस में पाए जाते हैं तथा बटरफ्लाई में इस टाइप का क्रोमोसोम पाया जाता है। तो हम लोगों ने चार टाइप के क्रोमोसोम को देखा, अब हम लोग देखेंगे पांचवा। तो पांचवा आपका चार ही टाइप के हैं, आपके चार ही टाइप के क्रोमोसोम लिंग निर्धारण है। फिर उसके बाद में आपके सेकंड थ्योरी आ जाएगी। द्विगुणित आगुणित के सिद्धांत, तो आज हम लोगों ने क्या देखा, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन को देखा, उसके चार एग्जांपल्स को देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर के जो पार्ट बचे हैं उनकी स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।